हेलो दोस्तों, मौका है राखी का तो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन से कलर ट्रेंडिंग में हैं। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल के टाइम पे ही हमें अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है और राखी उनमें से एक त्यौहार है, काफ़ी बड़ा त्यौहार है और इसमें हमें जानना ज़रूरी हो गया है कि राखी में कौन सा कलर ट्रेंडिंग है और मेकअप में कौन सा कलर ट्रेंडिंग है जो हमारे लुक को और भी खूबसूरती से निखार सकता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कौन से पांच कलर ऐसे हैं जो अभी ट्रेंडिंग में हैं, जिसको हम कैरी कर सकते हैं। रक्षाबंधन के इस मौके पे गोल्डन कलर का काफ़ी क्रेज है। गोल्डन जो है वो सभी के फेस पे सूट करने वाला कलर है और काफ़ी ट्रेंडिंग में है। अगर आप गोल्डन के साथ जाना चाहते हैं तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक अच्छा सा गोल्डन हाइलाइटर लेना होगा, जिसको आपको चिक बोन्स के ब्रॉन्जिंग एरिया और नोज़ के ब्रिज पे और हेयर लाइंस पे लगाना होगा। इसको लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका फेस हाइड्रेटेड हो और प्रॉपर तरीके से कंसीलर और बेस अच्छे से लगा होना चाहिए। कंसीलर और बेस जब अच्छे से लगा होगा तभी गोल्डन लुक अच्छे से खिल के आएगा। गोल्डन के साथ साथ इस समय ब्राइट कोरल कलर का भी क्रेज है। कोरल कलर जो होता है वो रेड और ऑरेंज के मिक्स करने पे बनता है। ये ना ज़्यादा रेड होता है ना ही ज़्यादा ऑरेंज होता है, तो इसका भी आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में। इसको भी आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ट्राई कर सकते हैं और देखिए ये किस तरीके से आपके रूप को निखारता है। ब्राइट कोरल कलर का खास बात ये है कि ये किसी भी स्किन टोन पे जाता है। किसी भी स्किन टोन वाले व्यक्ति इसको यूज़ कर सकते हैं और ये सब पे अच्छा लगता है। पूरी तरीके से ग्लॉसी को ना अपनाते हुए इसको सेमी ग्लॉसी या मैट फिनिश अगर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके लिए सेमी ग्लॉसी कोरल लिपस्टिक लें और इसकी एक खास बात ये और है कि ये जितने भी इंडियन ड्रेसेस हैं ये सब पे जाता है, जैसे कि अनारकली हो गया, क्लासिक साड़ी हो गया या लहंगा हो गया, ये सारी ड्रेसेस के साथ ये बहुत ही अच्छे से सूट करता है। तो आप ब्राइट कोरल को ले सकते हैं। इस साल राखी के मौके पर सिमर और ग्लिमर का भी क्रेज रहेगा। अगर आप अपने घर पर पार्टी रखने वाली हैं राखी के त्यौहार के उपलक्ष में तो आप सिमर और ग्लिमर को अपना सकती हैं, क्योंकि ये इस समय क्रेज में है और राखी के त्यौहार पे ये ट्रेंडिंग में रहेगा। इसके लिए आप गोल्डन सिमर, गोल्डन और ब्राउन कॉपर में जा सकती हैं। कॉपर का क्रेज ज़्यादा है इस टाइम पे। और अगर आप बेस के तौर पे एक पतली लेयर लेती हैं सिमर की तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लुक आएगा। इससे एक नेचुरल लुक दिखेगा और इसको आप एकदम कैजुअली भी ले सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है अपना मेकअप तो इसको एज अ कैजुअल मेकअप भी ले सकती हैं। बहुत हल्की लेयर रहेगी और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जो फेस पे इससे जो शाइनिंग आता है वो बहुत ही रॉयल लुक देता है। हम बात कर लेते हैं आई मेकअप की। आई मेकअप में इस समय कलर जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू और कंट्रास्ट के कलर रहेंगे, साथ में गोल्डन के साथ मिक्स किया जाएगा। इसमें भी ग्लिटर की जो मात्रा होगी आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। ग्लिटरी आईज लोगों को अट्रैक्ट करेंगी इस मौके पे और जो आपका फोकस रहेगा, मेकअप का फोकस पॉइंट आइस रहेंगी। इसमें स्मोकी लुक बहुत ज़्यादा क्रेज़ में रहेगा और अगर आप सेंटर पॉइंट बनना चाहते हैं तो आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और जो आइज विदाउट आई मेकअप की होंगी वो इस साल ट्रेंड से बाहर रहेंगी, क्योंकि इस साल ट्रेंड है आई मेकअप का, वो भी बोल्ड आई मेकअप। जो आपका क्लॉथ्स होगा उससे मैचिंग आई मेकअप होना चाहिए, वो भी कंट्रास्ट में विद ग्लिटरी आई मेकअप लोगों को अट्रैक्ट करने वाली हैं इस टाइम पे। सो आप अपने जो भी क्लॉथ्स आपने कलर्स सेलेक्ट किया है उसके साथ मैच कर लीजिए आई मेकअप को और उसके साथ ग्लिटर और गोल्डन कलर को भी मिक्स और कंट्रास्ट करने की कोशिश कीजिए। आई मेकअप के बाद हम बात कर लेते हैं बालों की। तो इस साल बालों में जो क्रेज़ रहेगा, जो ट्रेंडिंग है वो है कर्ली हेयर।
इस साल स्ट्रेट हेयर को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा जितना कर्ली हेयर को मिलेगा, और कर्ली हेयर में भी लॉन्ग हेयर नहीं, जो शॉर्ट हेयर्स होंगे उनका जो ट्रेंड है, उनका जो क्रेज़ है वो ज़्यादा रहेगा। सो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए अपने बालों को और अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत दिखें आप। ये तो हमने बात कर लिया मेकअप, ड्रेस, हेयर की। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है राखी। इस साल जो राखी है, राखी में जो क्रेज़ है लोगों का, मार्केट में जो क्रेज़ चल रहा है वो है देशभक्ति वाली राखियों की। जी हाँ, इसमें तिरंगे वाली राखियाँ, अशोक चक्र वाली राखी, 370 धारा की, 35A की, ये सारी राखियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रेज और डिमांड में हैं। कई सारी और भी राखियाँ हैं जो डिमांड में हैं, लेकिन ये जो अभी अभी जस्ट ट्रेंड में आई है और इनकी बिक्री बहुत ही बड़ी तादाद में हो रही है, तो इसलिए आप भी इस साल राखी के साथ साथ देशभक्ति भी दिखा सकते हैं और अपने भाई की कलाई को रक्षाबंधन के साथ साथ अशोक चक्र के साथ या कुछ ऐसी ही जो उसको आपकी रक्षा के साथ साथ देश की रक्षा के लिए भी प्रेरित करें। चलिए, मेरा वीडियो यहीं तक है, मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। बाय।